के प्रायोजक हैं टाटा स्काई। इसको लगा डाला तो लाइव जी कला। नमस्कार, योर मनी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। नया साल दस्तक दे चुका है। आप सभी को योर मनी टीम की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। हम दुआ करते हैं कि साल 2012 में आप और आपका पैसा दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की करे। इसी शुभकामना के साथ शुरू करते हैं साल 2012 का पहला योर मनी। आज हमारा फोकस होगा म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब देंगे वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत, स्वागत है आपका शो में और आपको भी नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला। पुनीत भाटिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। पुनीत नमस्कार, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली मैं दिल्ली में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरा दिस ईयर एक्चुअली आई एम प्लानिंग टू इन्वेस्ट लाइक 50,000 पर मंथ। ओके, लास्ट ईयर एक्चुअली मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो सब एफडीज में किया। अच्छा, ओके, सो विद द इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%। ओके, तो दिस ईयर एक्चुअली आई एम लुकिंग कि मेरे को जो इंटरेस्ट है, मतलब जो मेरा रिटर्न है, इस साल मतलब 15% तक मेरे को रिटर्न चाहिए, 15-20% और पर मंथ में 50,000 तक इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, तो कौन सा म्यूचुअल फंड है जो मेरे को एक्चुअली 15-20% लाइक मेरा एक और जो विंडो है लाइक कितने साल की, 2-3 साल के लिए आप चाहते हैं निवेश करना सर? यस यस। इतने कम समय के लिए क्यों? एक्चुअली लाइक माय प्लानिंग लाइक आई स्टार्ट टू इन्वेस्टमेंट फ्रॉम लास्ट ईयर, तो पहले टारगेट मेरा 10% था। दिस ईयर आई एम लुकिंग लाइक टारगेट टू एटलीस्ट 15-20%। तो ऐसा है कि मतलब 3 साल से 5 साल भी हो सकता है। तो एक्चुअली अभी सबसे लोअर रिस्क पे एफडी इन्वेस्टमेंट की थी, उसका MF इज लाइक द सेकेंड लेवल। अच्छा, मेरा स्टेप बाय चलना चाहते हैं आप एकदम? ओके, क्या सलाह देंगे पुनीत को? 10% पे एफडी करवाया था, किस्मत थी अच्छी, उस वक्त रेट मिल रहे थे, करवा लिया। 15% म्यूचुअल फंड में इनको रिटर्न की उम्मीद है, चाहते हैं 15-20%, वो भी 2-3 साल में। क्या आपको लगता है ये रियलिस्टिक है? देखिए साथ ही 2-3 एस्पेक्ट्स हैं इन्वेस्टमेंट करने के। जैसा उन्होंने कहा कि शुरुआत की एफडी से, फिर धीरे धीरे म्यूचुअल फंड पे आना चाहते हैं, आई थिंक वो बिल्कुल सही अप्रोच है पुनीत। आप एफडी से शुरुआत करें, फिर साथ में आप थोड़ी म्यूचुअल फंड देखें या इक्विटी ओरिएंटेड फंड देखें, आई थिंक वो बिल्कुल सही अप्रोच है। लेकिन एक साथ में एक बहुत जरूरी चीज है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो एकदम रियलिस्टिक होनी चाहिए। 15-20% का रिटर्न 2-3 साल के समय मुझे लगता है एकदम से अनरियलिस्टिक है। ये बात सही है कि मार्केट काफी नीचे है इस समय पे और अपॉर्चुनिटी है मार्केट के अंदर अच्छा रिटर्न बनने की, लेकिन समय बहुत कम है। देखिए अगर बन जाए तो बन भी सकता है, ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं बनेगा, इम्पॉसिबल नहीं है, पर मुझे लगता है जो एक्सपेक्टेशन है काफी अनरियलिस्टिक है। यहाँ पे एफडी की तरह एकदम कंफर्म नहीं कह सकते कि 10% या 15% मिलेगा ही मिलेगा। बिल्कुल स्वाति, जब 15-20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली जब भी हम एस्टीमेट करते हैं रिटर्न, तब हम जाके 15% एनालाइज रिटर्न की बात करते हैं। 2-3 साल में, अगर 3 साल भी मैं इनका टाइम होराइजन लेके चलूं, और क्योंकि आप SIP के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपकी जो एवरेज होल्डिंग पीरियड है वो सिर्फ 18 महीने की है, तो आई थिंक बहुत कम समय है। इतने कम समय के लिए आप कितना भी एग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाएं तो इस तरह की कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको इतना अच्छा रिटर्न मिल सकेगा। मुझे लगता है इतने कम समय के लिए आपको इक्विटी ओरिएंटेड बैलेंस फंड देखने चाहिए या फिर एक प्योर लार्ज कैप फंड। हाँ, यह बात सही है कि थोड़ा सा अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी वाला एक लार्ज कैप फंड ले लीजिए, आई थिंक वो एक सही अप्रोच रहेगी। यहाँ पे कुछ फंड मैं आपको बता देता हूँ। बैलेंस फंड में आप HDFC प्रूडेंस या HDFC बैलेंस फंड देख सकते हैं, और लार्ज कैप में जैसा मैंने कहा एक थोड़ा एग्रेसिव स्ट्रेटेजी जैसे ICICI फोकस ब्लू चिप फंड है, ये एक प्योर लार्ज कैप फंड है, लेकिन इसकी जो होल्डिंग है वो कंसंट्रेटेड रहती है, यानी 25 स्टॉक है उसमें इंडस्ट्री के लीडर्स रहते हैं। तो आई थिंक इस तरह के फंड पुनीत आप लीजिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव मत बनाइए क्योंकि समय आपके पास कम है, और आई थिंक जो आपकी एक्सपेक्टेशन है उसको आपको डेफिनेटली टोन डाउन करना पड़ेगा। मुझे लगता नहीं कि आपका 18 मंथ्स का जो होराइजन है वो इक्विटी के लिए किसी भी हालत से सही है। तो आई थिंक दो चीजें करनी है, एक तो समय बढ़ाइए थोड़ा सा, और जो एक्सपेक्टेशन है उसको थोड़ी टोन डाउन कीजिए। गोल के हिसाब से निवेश करना शुरू कीजिए, रिटर्न के लिहाज से नहीं कि 15-20% मिल जाएगा उसके बाद सोचेंगे कि और बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। गोल बनाइए, उसके हिसाब से अपना पूरा पोर्टफोलियो आप डिजाइन कीजिए और तब निवेश करना शुरू कीजिए। पुनीत अगला सवाल लेते हैं, जसवंत सिंह हमारे साथ
नहीं जुड़ रहे हैं, इनका ईमेल आया है हमारे पास। इनकी उम्र है 22 साल, इनको 18 साल में 50 लाख रुपए चाहिए। जानना ये चाहते हैं कि हम हर महीने कितना रुपया निवेश करना होगा। जसवंत सिंह से हम कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जसवंत जी, आपको आवाज आ रही है क्या हमारी? जी मैम। ओके जसवंत जी, आप 18 साल में 50 लाख रुपए आप चाहते हैं, कितना निवेश कर सकते हैं हर महीने? जी मैम, 4000 रुपए हर महीने। जी मैम। ओके, और ये 18 साल का टाइम फ्रेम एकदम फिक्स है, इसको 15-20 साल नहीं होना, सिर्फ 18 साल मतलब 18 साल? नहीं मैम, 20 साल भी कर सकता हूँ मैं। अच्छा, 20 साल एयरफोर्स में सर्विस कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 साल तक निवेश कर सकते हैं 4000 रुपए हर महीने, क्या 50 लाख रुपए का कॉर्पस बन जाएगा इनके? ठीक है स्वाति, यहाँ पे जैसे हमने बात की थी अभी 18-20 साल का टाइम होराइजन है, यहाँ पे अगर आप अजम्पशन लेके चले कि 15% रिटर्न बनेगा तो डेफिनेटली बनता है। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात जसवंत, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप शुरुआत करें, जैसे आपने कहा कि 50 लाख का आपका टारगेट है, मेरे हिसाब से अगर आप 18 साल की बात कर रहे हैं तो करीब आपको 5000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, मैं यहाँ पे एनुअलाइज रिटर्न 15% लेके चल रहा हूँ। ऑफकोर्स की फैक्टर यह है कि आप जब एक शुरुआत करें, जैसा हम हमेशा कहते हैं, तो इस प्रोसेस को हमेशा कंटिन्यू कीजिए इस पूरे पीरियड के लिए। दो फंड मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक आप प्योर लार्ज कैप फंड लीजिए, जिसके मैंने अभी जिक्र किया कि ICICI फोकस ब्लू चिप, ये फंड ले लीजिए, और एक अच्छा क्वालिटी मिड कैप फंड जो एक IDFC प्रीमियर इक्विटी वो ले लीजिए। 3000 रुपीज आप इन्वेस्ट करिए ICICI फोकस ब्लू चिप में, और 2000 आप इन्वेस्ट कीजिए IDFC प्रीमियर इक्विटी में। अगर आप 5000 नहीं कर सकते हैं तो थोड़ा सा टाइम होराइजन बढ़ा दीजिए 2-3 साल, तो आई थिंक फिर भी आपका जो टारगेट है वो डेफिनेटली आप अचीव कर पाएंगे। ओके हेमंत, आपने एक बात कही थी, जैसे कि आपने बताया ICICI प्रूफ फोकस ब्लू चिप ये अग्रेसिव स्ट्रैटेजी पे जाते हैं, बाकी फंड्स जो इसी कैटेगरी के हैं लार्ज कैप, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है? देखिए फर्क क्या है कि जैसे मैंने कहा, कंसंट्रेटेड होल्डिंग है, डाइवर्सिफाइड होल्डिंग है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो नंबर ऑफ स्टॉक्स कम है, यानी जो आपका जो लेवल ऑफ एक्सपोजर है एक स्टॉक के अंदर वो ज्यादा है। अभी हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक की बात करें, मान लीजिए दो फंड है जिसमें L&T है दोनों में, रिलायंस इंडस्ट्री है दोनों में, तो डाइवर्सिफाइड है उसका शायद 2-3% एक्सपोजर रहेगा, इसमें शायद 5-6% हो सकता है। तो कंसंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड में फर्क यह है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो कम है, मतलब आप ज्यादा बेट कर रहे हैं, मतलब अगर वो स्टॉक चला तो ज्यादा फायदा होगा, नहीं चला तो ज्यादा नुकसान हो सकता है। लेकिन इतने लंबे समय के लिए, क्योंकि आप SIP से इन्वेस्ट करते हैं, तो जितना अगर थोड़ा वोलेटाइल भी हो तो उसका आपको फायदा ही होता है। क्यों फायदा? क्योंकि आप जितनी वॉलेटिलिटी उसमें मिलेगी उतना ही आपको एवरेजिंग का फायदा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एक्सपोजर जो है ऐसे फंड में बहुत ज्यादा होना चाहिए, ऐसे फंड जो है वो थोड़े कम रखें। जैसे मैंने कहा, अगर आपको लार्ज कैप देख रहे हैं तो एक तरफ आप देख सकते हैं HDFC टॉप 200 जैसा फंड, बहुत ही अच्छा फंड है। उसमें क्या करते हैं आप, जो टॉप 200 स्टॉक्स हैं या BSE 200 जो स्टॉक है उसका जो इंडेक्स है उसमें से स्टॉक चुने जाते हैं। ICICI फोकस जो है वो अग्रेसिव है, दोनों को मिक्सचर बना दीजिए आप, ये आपका अच्छा एक लार्ज कैप पोर्टफोलियो बन जाए। तो इस तरह का जो है फंड है थोड़ा अग्रेसिव है, लेकिन उसमें अगर अच्छा क्वालिटी पोर्टफोलियो तो आपको काफी फायदा हो सकता है। चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस या फिर लोन से जुड़ा सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल और कॉन्टैक्ट नंबर हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है योर मनी। आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल हमें पोस्ट कर सकते हैं, और अगर आपसे योर मनी का कोई एपिसोड छूट गया हो तो उसे भी आप फेसबुक पर देख सकते हैं। योर मनी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के CEO हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं, संजीव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, अपना सवाल पूछिए संजीव। मैडम इस टाइम मैं 6 SIPs मेरे पास चल रही है, 6 SIPs इन डिफरेंट फंड, मैं पिछले 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। रिलायंस ग्रोथ फंड, रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड, बिरला मिड कैप फंड, सुंदरम सिलेक्ट फोकस फंड, HDFC टॉप 200 फंड और HDFC इक्विटी फंड। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी ये जो सिलेक्शन ऑफ फंड ठीक है या नहीं है,
अगर ठीक नहीं है तो मैं क्या नहीं कैसे चेंज करूं किसी और, अगर कोई और फंड में चेंज करना है इनको, और इनका भी मैं अगर 6 SIP कॉर्पस देखता हूं तो एट प्रेजेंट इज 5 लाख रुपीज। ओके ओके, तो हाउ आई कैन चेंज दिस? आपने 5,28,000 अभी तक निवेश किया है, वैल्यू है 48,000 के आसपास की, 4 लाख समथिंग, राइट? हाँ, 4 लाख कुछ है। ओके, तो पिछले 4 साल से इनमें SIP चल रही है। ओके, आपके 2 फंड तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने रिटर्न ठीक दिया है आपको, बाकी जो फंड्स हैं आपके 4 उनमें आपको थोड़ा वैल्यू कम दिख रही है। हेमंत, HDFC इक्विटी फंड में 60,000 उन्होंने अभी तक डाला है, 66,000 अभी उसकी वैल्यू है। रिलायंस ग्रोथ में 1,02,000 है जिसकी 1,09,000 वैल्यू है, बाकी सारे फंड्स इनके उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, क्या सलाह देंगे इनके पोर्टफोलियो पर? स्वाति, आई थिंक दो तरीके से इसको देखना है हमको। 10,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए 6 फंड है, मुझे लगता है क्लियरली एक ऐसा केस है जहां पे हम ओवर डाइवर्सिफिकेशन की बात कह सकते हैं। 10,000 के इन्वेस्टमेंट के लिए 6 फंड की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपने सही कहा बिल्कुल, ये 2 फंड जो HDFC इक्विटी एंड HDFC टॉप 200 काफी अच्छे फंड है, इनकी परफॉर्मेंस भी काफी कंसिस्टेंट रही है। बाकी जो 4 फंड उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, बिरला मिड कैप, रिलायंस का जो फंड है रिलायंस ग्रोथ, और रिलायंस ग्रोथ की अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनके हिसाब से, 1,02,000 है जिसकी वैल्यू 1,09,460 रुपए। देखिए 4 साल, मतलब अगर पिछले में 2-3 साल में देखूं तो इस फंड की परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं है, स्पेशली अगर मैं पीयर ग्रुप से कंपेयर करूं। अच्छा, रिलायंस ग्रोथ जो है वो एक मिड कैप कैटेगरी में फंड आता है, उसको अगर मैं दूसरे फंड हैं जैसे IDFC प्राइमर इक्विटी, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी, उनसे कंपेयर करूं तो उतनी अच्छी परफॉर्मेंस उसकी नहीं है। अच्छा, एक इनका जो इन्वेस्टमेंट है रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर में, मेरा ये हमेशा मानना है स्वाति कि कोई भी इन्वेस्टर जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करके ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम कॉर्पस बनाते हैं, उनको सेक्टर थीमेटिक फंड से जहां तक हो सके दूर रहे। अगर आप रखते हैं तो फिर पहली आपकी उतनी रिस्क एपेटाइट होनी चाहिए, दूसरी उनको मॉनिटरिंग करने का तरीका अलग है। रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर ने अगर 3 साल पहले के रिटर्न देखें तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन पिछले 3 साल में रिटर्न जो उनके काफी कम हो गए हैं, तो जो भी आपने कमाया उसका काफी हिस्सा आपने गवा दिया पिछले 3 साल में। इसीलिए मेरा ये मानना है कि जब भी इतने लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट करें तो जो थीमेटिक फंड या जो सेक्टोरल फंड है उनसे आप दूर रहिए। और एक और फंड है इनके पास, सुंदरम सेलेक्ट फोकस फंड, उसकी परफॉर्मेंस भी अगर मैं पीयर ग्रुप से कंपेयर करूं तो उतनी अच्छी नहीं है। तो मुझे लगता है 6 फंड की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने पहले कहा, नंबर ऑफ फंड आप डेफिनेटली कम कीजिए, HDFC इक्विटी को कंटिन्यू कीजिए, HDFC टॉप 200 को कंटिन्यू कीजिए, रिलायंस पावर और रिलायंस ग्रोथ में जो आपका इन्वेस्टमेंट है, रिलायंस का एक फंड है यहाँ पे, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड, जिसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है पिछले काफी सालों से, आई थिंक उसमें आप इनको आप स्विच कर लीजिए, तो 4,000 का जो इन्वेस्टमेंट है मंथली आपका वो रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी में होना चाहिए, 3,000 का इन्वेस्टमेंट आपका HDFC इक्विटी में हो, और 3,000 का इन्वेस्टमेंट जो है HDFC टॉप 200 में हो। 3 फंड हो आपके पास, आई थिंक बिल्कुल सही बैलेंस जो पोर्टफोलियो में होना चाहिए मिड कैप और लार्ज कैप का वो रहेगा, और तीनों जो है अच्छे क्वालिटी फंड है। मुझे लगता है जैसा अभी जो पोर्टफोलियो वैल्यूएशन है स्वाति, वो इसलिए है क्योंकि मार्केट जो है काफी गिरा है, पिछले 1 साल में देखें तो करीब 25% मार्केट है, अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप देखें तो काफी गिरावट है। क्योंकि SIP कर रहे हैं, आई थिंक इनकी एवरेजिंग इनको मिलेगी यहाँ पे, शायद फायदा आज नहीं दिख रहा है, बट जैसे ही मार्केट सुधरनी शुरू होगी डेफिनेटली उनको जो आज एवरेजिंग कर रहे हैं उसका फायदा वहां पे दिखेगा। तो मुझे लगता है 3 फंड रखिए और इन तीनों में अपनी SIP जो है बाकी 6 साल के लिए कंटिन्यू कीजिए। एक फंड हाउस के 2 फंड के बीच में स्विच कर सकते हैं आराम से। हाँ जी बिल्कुल, हमेशा यही करना चाहिए। इनफैक्ट एक क्राइटेरिया जो होता है जब आप फंड सिलेक्शन करें, एक तो है कि आपने खाली फंड को देख लिया, साथ में अगर आप ये भी देख लें कि उस म्यूचुअल फंड में किस तरह के दूसरे फंड हैं, अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है स्विच करना इजी रहता है, क्यों? क्योंकि अदरवाइज आपको फिजिकली पैसा मूव करके एक फंड से दूसरे फंड में ले रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मार्केट रिस्क ले रहे हैं। मान लीजिए आपने रिडीम किया एक लेवल पे, जब तक पैसा आपने आया या आपने डिसाइड किया, मार्केट 500,000 पॉइंट ऊपर चला गया, तो फिर आपको वो जो लॉस है वो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी फंड की सिलेक्शन करें हमेशा ये देख लीजिए कि जैसे कुछ और फंड उनके पास अच्छे कर रहे हैं कंसिस्टेंटली, तो फिर क्या कभी भी स्विच करना हो तो वो थोड़ा आसानी रहती है। ऑलराइट, तो आपको हमारी सलाह यही है संजीव कि अपने पोर्टफोलियो में 6 फंड जो आपने रखे हैं उसको कम करके 3 कर लीजिए, और रिलायंस ग्रोथ फंड और रिलायंस डाइवर्सिफाइड पावर सेक्टर फंड, इसे आप
इसमें निवेश फिलहाल बंद करके इसका जो पैसा है वो स्विच कीजिए रिलायंस के इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड में। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन अगर आप भी हमसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड से जुड़े सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना सवाल और अपना कॉन्टैक्ट नंबर हमें ईमेल कीजिए mf@moneycontrol.com पर। आप चाहें तो अपना सवाल हमें फेसबुक पर भी पोस्ट कर सकते हैं। बस अपने फेसबुक अकाउंट के सर्च बॉक्स में जाकर आपको टाइप करना है योर मनी। आप योर मनी के पेज पर पहुंच जाएंगे, वहां पर आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। और अगर आपसे योर मनी का कोई भी एपिसोड छूट गया हो तो उसे भी आप योर मनी के फेसबुक पेज पर देख सकते हैं। स्वागत है एक बार फिर से योर मनी में। आज हमारा फोकस है म्यूचुअल फंड पर और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं वाइज इन्वेस्टर एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं कृष्णा रंजन भुवनेश्वर से। कृष्णा नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। नमस्कार मैम, ये सवाल है कि मैम एक्चुअली मैं पिछले एक साल से SIP कर रहा हूँ। मेरा जो सिलेक्शन ऑफ द फंड है इक्विटी फंड ग्रोथ 1000 पर मंथ, ICICI प्रूडेंशियल फोकस्ड ब्लू चिप इक्विटी फंड रिटेल ग्रोथ 1000, रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड इक्विटी प्लान 1000 प्लस HDFC टॉप 2200। इज इट द राइट सिलेक्शन ऑफ द फंड और आई नीड सम चेंजेस? कितने साल का नजरिया लेके चल रहे हैं और क्या गोल है आपका कृष्णा? मैम गोल है कि दैट मीन्स मैम अभी तो फिलहाल मैं 10 साल का नजरिया लेके चल रहा हूँ। मैम गोल है कि 60 लाख मेरे को चाहिए फॉर द परचेज ऑफ हाउस मैम। ओके, तो ये पूरा का पूरा पैसा अपने निवेश से ही जोड़ना चाहते हैं या फिर आप लोन लेंगे घर खरीदने के लिए? मैम एटलीस्ट 70-80% में दैट मीन्स जितना ज्यादा हो सके अपने पास से पे करने की कोशिश करेंगे उस वक्त। हाँ मैम। ओके, कैसा पोर्टफोलियो लग रहा है कृष्णा का आपको हेमंत? आई थिंक पोर्टफोलियो जो फंड सिलेक्शन है ब्रॉडली मैं बोलूंगा काफी अच्छी है। इनमें से तीन फंड की हमने शो में ऑलरेडी बात की, तीनों फंड काफी अच्छे हैं। सिर्फ एक रिलायंस रेगुलर सेविंग फंड है जो मैं नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा फंड नहीं है, लेकिन क्योंकि छोटा पोर्टफोलियो है और तीन या चार फंड है तो थोड़ा फंड सिलेक्शन थोड़ा डिफरेंट तरीके से देखना पड़ेगा। तो जैसा मैंने कहा पहले एक रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी उसकी जगह में ले लीजिए आप, तो ये चार फंड जो है आपके ये बिल्कुल सही रहेंगे। इनका भी लेकिन 5-6 हजार का निवेश है, उसमें चार फंड लेके चल रहे हैं, ज्यादा है? हाँ बिल्कुल ज्यादा है साथी, आई थिंक 5000 के इन्वेस्टमेंट के लिए चार फंड ज्यादा है, पर लेकिन उन्होंने कहा शायद वो 5000 रुपीज और इन्वेस्ट अभी करना चाहते हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये चार फंड आप रख सकते हैं, क्योंकि फिर क्योंकि आप 5000 रुपीज उसमें और ऐड कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है अगर आप एक चेंज करें जैसा मैंने कहा रिलायंस रेगुलर सेविंग की जगह रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी, तो ये चारों फंड में जितना पैसा आप ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका डबल कर दीजिए, और ज्यादा फंड आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5000 रुपीज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपके टोटल इन्वेस्टमेंट जो है फिलहाल 10000 होगी, और ये चार फंड में कीजिए जो भी जैसा मैंने कहा आपका जो अभी अपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसको डबल कर दीजिए उसके अंदर। और जहां तक इनके टारगेट का सवाल है स्वाति, मुझे लगता है 10 साल में इनको जो टारगेट पूरा करना है 60 लाख का, उनको करीब 25000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अच्छा। तो डेफिनेटली आज के हिसाब से उसमें शॉर्टफॉल है, बट मैं यही कहूंगा कि जितनी पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसा आप अभी 5000 बढ़ा रहे हैं, आगे जाके कोशिश कीजिए जैसे जैसे आपके इनके लेवल बढ़े तो उसको आप अमाउंट को बढ़ाइए ताकि आप उस टारगेट के जितना नजदीक पहुंच सके उतना अच्छा हो। ओके, चलिए अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं योगेश शर्मा पटियाला से। योगेश जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, सवाल पूछिए अपना योगेश जी। मैम मेरी उम्र 29 है और मेरे पास चार पॉलिसीज हैं। LIC की है मार्केट प्लस में 30000 और एक जीवन तरंग है इसके क्वार्टर पेमेंट है 1810 और ICICI प्रोडेंशियल की है लाइफ प्रीमियर RP उसमें है 20000 एनुअली। अच्छा, अच्छा। और एक LIC की है समृद्धि उसमें सिंगल पॉलिसी है मैम सिंगल टर्म की 30000 की। तो मैं ये जानना चाहता हूँ भी मुझे कोई सिप प्लान भी टर्म प्लान में लेना चाहिए, वो भी मेरा गोल है तकरीबन मैं 50 और 55 के पास रिटायरमेंट चाहता हूँ 50 लाख के साथ। कितना? 50 लाख चाहते हैं आप रिटायरमेंट पे? यस मैम।
ओके ऑल राइट. अभी सिर्फ और सिर्फ पॉलिसीज में ये पैसे लगा रहे हैं, दो सिंगल प्रीमियम है, बाकी में कुछ क्वार्टरली जा रहा है, कुछ मैनुअली जा रहा है, एक भी म्यूचुअल फंड में अभी पैसे, फंड में पैसे नहीं है. क्या सलाह देंगे, इस पॉलिसी को कंटिन्यू करते हुए एसआईपी शुरू करें या फिर किसी पॉलिसी को बंद कर सकते हैं कुछ पैसे? आई थिंक स्वाति यहाँ पे भी अगेन दो एस्पेक्ट्स हैं उसके. क्योंकि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ तो मुझे लगता है जितना जल्दी हो सके आप उसको शुरुआत कीजिए. जैसा आपने कहा, एक पर्टिकुलर एज पे रिटायर होना चाहते हैं, समय है अभी आपके पास काफी. उसके लिए बेस्ट है कि आप म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट कीजिए, जिसको एसआईपी बोलते हैं हम. उससे क्या होगा कि आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो, क्योंकि आपको इन्फ्लेशन को बीट करने की जरूरत है, हेल्दी रिटर्न्स आपको चाहिए वहां पे. तो ये प्रोसेस सबसे पहले शुरुआत कीजिए. चार पॉलिसी देखिए, हमेशा एक ध्यान रखिए, ये नंबर ऑफ पॉलिसी की बात नहीं है, ये देखना है कि आपको एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर मिल रहा है कि नहीं. मुझे नहीं लगता स्वाति इन चारों के कॉम्बिनेशन से कहीं भी किस तरीके से इनको एडिक्वेट इंश्योरेंस कवर मिल रहा है. बहुत जरूरी है कि आप एक टर्म प्लान लें ताकि आपका जो रिस्क कवर है वो सही तरीके से हो सके. इनके अंदर दो जो है, इनके पास यूलिप है और एक एंडोमेंट प्लान है. मुझे नहीं लगता ये लॉन्ग टर्म में इनके पोर्टफोलियो के हिसाब से सही है. तो आई थिंक जब भी आप कर सके कोशिश करें, जब अलाउड हो आप इन पॉलिसीज को बंद कीजिए, एसआईपी कीजिए और टर्म प्लान कीजिए. आई थिंक बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन रहेगा आपके लिए. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आप सभी सवालों के जवाब देने के लिए. और फिलहाल योर मनी में इतना ही. आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ. नमस्कार.